खबर आजमगढ़ बुढ़नपुर से, जहां तहसील के देवरपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष मनोज सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री मंजूलता ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इसका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया, जिसमें कांग्रेस के सदस्यों में काफी खुशी की लहर दौड़ गई। जिला उपाध्यक्ष मनोज सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की नीतियों को देख करके विपक्षी बौखला गए, बीजेपी की नीतियों से जनता पूरी तरह से त्रस्त हो गई है। आगामी 2024 के चुनाव में बीजेपी को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विनीत रंजन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई बेरोजगारी ने गरीब आदमियों का जीना दूभर कर दिया है, शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है कि आए दिन कंपटीशन परीक्षाओं के पेपर लीक की समस्या सामने आ रही है, इससे सरकार की पोल खुलती नजर आ रही है। जनता पूरा मन बना चुकी है 2024 के चुनाव में सूत समेत हिसाब लेने का काम करेंगे। ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ने कार्यक्रम में आए हुए लोगों का आभार व्यक्त किया। अंजलि पांडे, यदुनाथ सिंह, नबी सरवर, दीपक प्रजापति, जंग बहादुर बेनवंशी, अरुण चौबे, अविनाश बेनवंशी, मनीषा प्रजापति, सपनी शर्मा, रमाशंकर दुबे, संजीव कुमार मौर्य, शत्रुघ्न यादव, कोदई राम मोहम्मद, अब्दुल मनोज कनौजिया, अजय कुमार, आनंद राजभर, अमन सिंह, लीलावती राजभर, कुसुम राजभर, सावना खातून, गीता विश्वकर्मा, सुमन राजभर, राधा विश्वकर्मा, विजय वर्मा, नीरज राजभर, रामकवल वर्मा, सूरज वर्मा, त्रिभुवन वर्मा, मोनिका श्रीवास्तव, शशिकला, जगत नारायण आदि लोग उपस्थित रहे। आज आप कांग्रेस ज्वाइन की, क्या उद्देश्य रहा है, क्यों कांग्रेस आप ज्वाइन की? मैं बीजेपी में थी, मुझे बीजेपी ऊपर नहीं कर रहा था, इसलिए कांग्रेस पार्टी में। बीजेपी में आपको क्या गड़बड़ लगा? क्योंकि हमको सुविधा नहीं मिल रही है। किस चीज़ की सुविधा नहीं मिल रही थी? तरीका से हमको महंगाई ज्यादा हुआ, मतलब महंगाई से आपको ही समस्या थी। और अन्य कुछ मुद्दे बताइए जिसको लेकर के आप छोड़ी हैं भाजपा। किस आप लोग यहाँ पर स्वागत समारोह किए हैं उसके बारे में बताइए। स्वागत समारोह कल मंजूलता जी जो है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, जिला से उनको मनोज सिंह उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष जी ने उनको जो है कल कांग्रेस पार्टी में शामिल किया है, ज्वाइन करवाया है। तो उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग जो है यहाँ स्वागत समारोह उनका रखे, क्योंकि वो कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद प्रथम बार जो है यहाँ देवपुर बाजार में जो है आई हैं, जो कि इनका गृह निवास रायपुर खुरासिन है। तो हम लोगों ने आज जो है इनका यहाँ पर स्वागत समारोह जो है रखा और स्वागत किया। तो किन मुद्दों को लेकर के इन्होंने जोड़ा, क्योंकि कांग्रेस की हालत आप यूँ जान ही रहे हैं, तो क्या ऐसा कांग्रेस की क्या खामियां इनको कांग्रेस में क्या इतना अच्छा नजर आया इनको कि इन्होंने भाजपा जैसी बड़ी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये जो है रह करके केवल वहाँ पर इनका जैसे महिला को जो जिस प्रकार से प्रियंका गांधी जी महिला को जो है यहाँ साहस दे रही हैं, उनको आगे बढ़ा रही हैं, वो चीज़ भारतीय जनता पार्टी में इनको नहीं मिला। ये वहाँ सदस्य की सदस्य ही रह गई, और उसके बाद इनको महंगाई और बेरोजगारी जो मुद्दा था ये इनको लगा कि जो है बहुत मेन मुद्दा है, तो इस महंगाई और बेरोजगारी को देखते हुए और अपने सम्मान को देखते हुए इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया कि हमारा कांग्रेस पार्टी में सम्मान होगा। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भविष्य में महंगाई बेरोजगारी और महिलाओं के सम्मान के लिए काम की है और काम करेगी। आप लोग किस तरह की तैयारियां हैं यहाँ अतरौलिया विधानसभा में, आगे लोकसभा चुनाव किस तरह की तैयारियां आप लोग कर रहे हैं? यहाँ आगे लोकसभा चुनाव में हम लोगों की मजबूती के साथ जो है अभी से तैयारियां चल रही हैं, और हम लोग तैयारी हमेशा से ही करते आते हैं और करते रहेंगे, 24 हो या 26 हो या 29 हो, इससे कोई मतलब नहीं। राहुल गांधी की यात्रा निकाली जा रही है, भारत जोड़ो यात्रा, इसके बारे में क्या कहेंगे? आपके विधानसभा से कितने लोग अभी तक शामिल हुए हैं, कोई जानकारी है आपके पास? जी हाँ, राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, हमारे विधानसभा से करीब 125 से 125 के करीब लोग जो है हम लोगों के नेतृत्व में वहाँ जो है उनके साथ शिरकत किए और उनकी यात्रा में कदम से कदम मिला करके जो है चले। भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य क्या है अभी? भारत जोड़ो यात्रा का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि नफरत छोड़ो और मोहब्बत करो, नफरत छोड़ो और मोहब्बत करो। जो नफरत की राजनीति इस समय चल रही है वो नफरत ख़त्म करने का जो है ये यात्रा है कि नफरत ख़त्म हो और लोग आपस में मोहब्बत करें। क्या लगता है कांग्रेस आने वाले समय में कोई बड़ा मतलब कोई बड़ा चुनाव लड़ सकती है, या क्या आपको लगता है कि कांग्रेस से कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष में फूट है अभी जी, उसके मद्देनज़र भाजपा को इसका फायदा मिल रहा है, क्या आपको क्या लगता है?
मुझे पूर्ण रूप से लग रहा है कि 2024 में जो रिजल्ट आने वाला है वो बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि सभी लोग त्रस्त हो चुके हैं।